लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिएट किए हुए कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें जाना है मास्टर एंट्री में। मास्टर एंट्री में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कंपनी इन्फॉर्मेशन। आपने जो इन्फॉर्मेशन फिलअप की थी वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। अगर आपको चेंजेस करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पे मैं बैंक इन्फॉर्मेशन फिलअप करता हूँ, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, आईबीसी। आप यहाँ पे कंपनी का लोगो लगा सकते हो, ठीक है। ये जो QR कोड दिख रहा है आपको, इस QR कोड की हेल्प से हम अपने कंपनी का सभी डाटा अपने मोबाइल के ऊपर फेच कर सकते हैं। यह ऑप्शन हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ कंपनी का नाम, कंपनी का मोबाइल नंबर, अगर कुछ हमें चेंज करना है तो हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। लास्ट में हमें यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है, ओके।